और आप बारी है नौजवान बापूजी का दुर्लभ सत्संग सुन सिद्धि का रास्ता समझने की, ताकि भगवान की शरण जाकर आत्म सुख का प्रकाश पा लिया जाए और जीवन धन्य कर लिया जाए। बहु नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद जीव का ऐसा सौभाग्य होता है जो श्रद्धा भक्ति सहित ईश्वर के तत्व को जानने को, ईश्वर के स्वरूप को जानने को उसकी रुचि होती। कई लोग मनुष्य जन्म पाकर पशु जीवन जीते हैं, कोई विरला है श्रद्धालु, और उन श्रद्धालुओं में भी कई लोग तो भूत भैरव प्रेतों के गुलाम होकर पड़े। भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई कश्चित एतति सिद्ध है, कोई विरला ही सच्चे रास्ते चलता है, सिद्धि के रास्ते पर चलता है। सिद्धि माना अंतःकरण की शुद्धि, जो तामसी भूत प्रेतों को, नशेबाज सुल्फेबाज भुआ बोपाओं को पूजते हैं उनकी बुद्धि बैल मार जाती। जय राम जी की। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु भगवत गीता के 7वें अध्याय का श्लोक है, कश्चित एतति सिद्ध है, कोई विरला है सिद्धि के मार्ग चलता है। अंतःकरण की शुद्धि ये सिद्धि है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसका संकल्प सार्थक हो जाता है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको अंदर के सुख की प्राप्ति होती है, जिसका अंतःकरण शुद्ध है उसको भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई कोई विरले, नहीं तो ईंट चूना लोहा लक्कड़ का मकान दुकान पाकर लोग समझते हम बड़े भागशाली हैं। क्या चार ठीकरे इकट्ठे करके अपने को भागशाली मानने वाले लोगों की बुद्धि दयाजनक नहीं है? पहले नहीं थी चीजें, अभी भेगी की एकत्रित किया, अब जो पहले नहीं थी वो एक दिन नहीं हो जाएगी क्या? पहले तो कुछ नहीं था, अभी इसके बड़े चार बंगले हैं, लेकिन एक दिन वो फिर अभागा होके बेचारा यमदूत के हाथ में चला जाएगा। जो पहले नहीं था अभी पा लिया तो अंत में फिर नहीं हो जाएगा, लेकिन भगवान जो पहले था अब भी है और बाद में रहेगा उसमें प्रेम कर दिया तो वो अमर हो जाएगा। बोले ये पहले अनपढ़ था, पढ़ लिख लिया बड़ा विद्वान हो गया, लेकिन जरा सा तेज बुखार आ जाए तो सारी विद्वता पर ट्रैक्टर घूम जाए। पहले इसको कोई नहीं जानता था, अभी बहुत लोग इसको मानते जानते प्रसिद्ध हो गया। 2 कौड़ी भी नहीं कमाई, चतुराई चूल्हे पड़ी पूर पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन विन चारो वरन चमार, सियावर रामचंद्र। अगर हरि का भजन नहीं है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, परमात्मा में प्रीति नहीं है, तो हजार भूत प्रेतों को डुलाओ, हजारों प्रेतों की आशीर्वाद लो, हजारों भुवाओं की आशीर्वाद लो, लेकिन जीवन में अशांति दुख बेईमानी और मूढ़ता बनी रहेगी। जब तक भगवान की शरण नहीं जाएगा तब तक हृदय का शौर्य नहीं आएगा, हृदय की शांति नहीं आएगी, आत्म सुख का प्रकाश नहीं होगा। और जिस जीवों को आत्म सुख का प्रकाश नहीं है वे लोग अंधे न कूपे, वो अंधकूप में पड़े खलबलाते हैं। जैसे अंधी कोठरी में चामा चिड़िया लटकते रहते हैं, ऐसे ही अज्ञान के अंधकार में वे लोग बेचारे भटकते रहते, कोई किसी भूत को, कोई किसी भुआ को, कोई किसी को, कोई किसी को मान मान कर अपने हम मन से ही जंजीरें बनाकर वहमों की जालों में अपने आप को गूंथ कर परेशान हो रहे। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई विरले हैं जो सत्संग का सहारा लेते हैं, सच्चे ज्ञान का सहारा लेते और सत्य स्वरूप अंतर्यामी राम का सहारा लेते हैं और कृपानाथ श्री कृष्ण को प्यार करते, ऐसे कोई विरले विरले होते। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्धये, यतताम्मपि सिद्धानाम कश्चित वेतिमाम तत्वतः। हजारों में कोई इस रास्ते चलते हैं और हजारों में कोई कोई सिद्धि को पाते, अंतःकरण की शुद्धि को, शांति को, सामर्थ्य को।
और उनमें भी कोई विरला विरला है जो मेरे को पूरे स्वरूप से जान लेता है। आप लोग बड़े भागशाली हैं कि भगवान के तत्व ज्ञान को, भगवान के वास्तविक स्वरूप को सुनने के लिए आप एकत्रित होते हैं। अगर पुण्य कमजोर होता है तो भगवत गीता के अमृत सुनने में रुचि नहीं होगी। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सोहाए। अगर पाप जोर करेंगे तो सत्संग में जाने की रुचि नहीं होगी, और कोई ले गया तो बैठ नहीं सकेगा, और बैठ गया तो पाप को भागना पड़ेगा क्या? जिसके हाथ को पाप पकड़ रखता है वो कीर्तन में ताली बजा नहीं सकता। जिसके जीवा को पाप पकड़ रखते वो कीर्तन में भगवान का नाम नहीं ले सकता। जिसके पैरों में पाप की जंजीर है वो सत्संग की जगह पे नहीं जा सकता। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होवे न दृढ़ अनुराग, सियावर राम चंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास महाराज ने जीव की दशा का बयान किया। हर इंसान चाहता है कि मैं चल के तो थक जाऊंगा, कोई सवारी मिल जाए, कोई गाड़ी मोटर मिल जाए, कोई व्हीकल मिल जाए तो आराम से यात्रा हो। तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि ये जीव भी संसार में आया, लेकिन इसने भी सोचा कि मुझे कोई यात्रा करने के लिए डोली मिल जाए। पहले के जमाने में खटिया को बांध, खटिया के तरफ दोनों बांस लंबे बांध दिए जाते थे और आदमी बीच में बैठता था और कहार लोग उठाते थे। बाद में फिर डोलियां बनी। तो जीव संसार में आया, लेकिन उसकी यात्रा के लिए उसने डोली की याचना की। इस जीव को डोली तो मिली, लेकिन वो डोली मिली त्रिकोणी मिली। खटिया के तो चार कोने होते हैं, ये डोली के त्रिकोण होते हैं। सत्व कोण, रज कोण और तमो कोण, तीन गुणों के कोने वाली ये डोली मिली। ये डोली किसने दी कि कुटिल करमचंद ने दी। करमचंद ने ये डोली दान में दी। डोली कैसी है कि खटिया को घुन लगी हुई, बांस सड़े हुए और काहार लुच्चे। अब उस डोली में बैठने वाले का हाल क्या होगा? कहार एक दो नहीं, 11 कहार दिए डोली उठाने वाले। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 11वां मन। आंख एक तरफ ले जाती है जीव को तो मन दूसरे तरफ ले जाता है, तो कान तीसरे तरफ ले जाते, जीवा चौथे तरफ ले जाती है। ये दी किसने कि दान में मिली है। किसने दान किया कि करमचंद ने, कुटिल करमचंद ने। अगले जन्म के जो कर्म किए थे, कुटिल कर्म किए थे, कुटिल करमचंद ने ये डोली दी। और जीव शरीर रूपी डोली में आकर यात्रा करना चाहता है। डोली अगर सुंदर सुहावनी हो तो यात्रा बढ़िया हो। डोली का कोई भरोसा नहीं कब गिरे कब टूटे, इस शरीर रूपी डोली का कोई भरोसा नहीं। जैसे कल परसों बताया था कि हवाई जहाज चलने का टाइम होता है, ट्रेन चलने का टाइम होता है। गांधीधाम से आए तो गांधीधाम एक्सप्रेस चलने का टाइम था, लेकिन ये एक्सप्रेस कब चल देवे कोई भरोसा नहीं। ये डोली कब चली जाए कोई भरोसा नहीं। तो ये डोली दिया है कुटिल कर्मों ने। कर्मानुबंधने मनुष्य लोके, कर्म के बंधन से मनुष्य लोक में ये डोली में जीव बैठ के आया। डोली सुदृढ़ हो, मजबूत हो तो जीव को आराम भी मिले, लेकिन कहार एक इधर को जाता है, दूसरा उधर को जाता है, तीसरा उधर को जाता है। गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि कहार इधर उधर जाते और डोली में बैठे हुए जीव की बुरी दशा हो रही है। बांस भी सड़े हुए, कहार लुच्चे और खटिया पुरानी, होड़ी हमारी जूनी पुरानी, सागर माछे ऊंडा पानी। ये होड़ी हमारी डोली जो है जूनी पुरानी है, ये कलयुग का शरीर है। कब कहां से जरा हवा का झोंका आ जाए मलेरिया हो जाए, कहां से जरा का अजीर्ण हो जाए दस्त हो जाए, कहां से कुछ हो जाए सर्दी पकड़ ले, अरे चलते चलते हार्ट फेल हो जाए कोई भरोसा नहीं।
ऐसी इस कुटिल कर्म चंद ने डोली दी, ये हमको भेंट में मिली। अब ये जीव बिचारा यात्रा करना चाहता लेकिन कहां जाना ये भी इसको ज्ञान नहीं। हे भगवान, अब तू ही आकर उसको रास्ते में मुलाकात दे और जहां इसको जाना है उसका हाथ पकड़ के तू ले चल तो इसका बेड़ा पार होगा, नहीं तो ये बेचारा जीव बीच में ही भटक जाएगा। तो भगवत गीता का श्लोक कहता है, हे दयालु प्रभु, तूने बड़ी दया किया है कि ऐसे ऐसे वचन दिए हम लोगों को। भगवत गीता का श्लोक कहता है, मनुषाणाम शास्त्रेषु कश्चित एतदि सिद्ध है यतताम अपि सिद्धा नाम कश्चित वेति माम तत्वत। कितने लोग तो एक दूसरे के गुण दोष देखकर आरोपित करके और परेशान होते हैं। जिस आदमी को किसी में दोष दिखते हैं सचमुच में उसमें दोष होते हैं कि नहीं होते हैं ये बात अलग है, द्वेष से प्रेरित होकर आदमी एक दूसरे में दोष देखता है। जब दोष देखता है तो जिसमें तुम दोष देखते हो तो तुम्हारी दोष देखने की दृष्टि से तुम्हारा अंतःकरण तो दोषित होता है, लेकिन कुटुंबी में वे दोष गहरे उतरते हैं। दोषों की याद दिलाते दिलाते तुम बहू को, बेटी को, सासू को, ससुर को, पुत्र को, पौत्री को महान नहीं बना सकते। तुम दोषों का चिंतन करके उसमें दोषारोपण की और दृढ़ता करते हो। दोष आरोपण की दृष्टि ये दोनों के लिए हानि करता है। किसी भी पुत्र परिवार कुटुंब में दोष आरोपण करने से अपना दोष पक्का होता है, अपना अंतःकरण का द्वेष पक्का हो जाता है और उसमें दोष गहरा उतर जाता है और उसके और तुम्हारे बीच एक प्रकार की वैमनस्यता की विकृत ग्रंथियां बंध जाती। दोष देखने की अपेक्षा गुण देखो और गुण देखने की अपेक्षा उसमें परमात्मा देखो। जब तुम गुण देखोगे तो उसमें अगर दोष हैं भी तो निकल जाएंगे। अगर तुम गुण देखोगे और उसके गुण के हिस्से को तुम प्रोत्साहित करोगे तो उल्लासित होकर गुण बढ़ाकर वो दोषों पर विजय पा लेगा। अगर तुम उसके दोषों को देखते रहोगे, दोहराते रहोगे तो तुम्हारे और उसके बीच वैमनस्यत्व की ग्रंथियां तो लग जाएगी, साथ साथ में तुम्हारी दोष देखने की निगाह उसमें दोष गहरा डाल देगी। श्री राम, ऐसे ही अपने दोष देखने की जो अपने शरीर में दोष हैं उनको निकालो तो सही, लेकिन बार बार दोषों को याद करके मैं दोषी हूं, मैं संसारी हूं, मैं अत्यंज हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, मैं फलाना हूं, ऐसा करने से तुम्हारी जीवन शक्ति बिखर जाती है। लेकिन तुम कैसे हो उसका ख्याल नहीं रखो, तुम्हारा प्रियतम कैसा है उसका ख्याल रखो। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कि बहुत सारे मित्र थे बाल्यावस्था से लेकर पूरे जीवन में, फिर भगवान ने तीन व्यक्तियों को सखा करके बुलाया है। एक तो निषाद राज को, निषाद राज को कहा कि सखा, दूसरा बाली को सखा कहा और तीसरा विभीषण को सखा कहा। अब निषाद राज भील जाति के मल्लाह है, किस जाति के हैं भगवान नहीं देखते, लेकिन प्रेम है। सखा, मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकता। निषाद ने सोचा कि अवध छोड़कर आए तो हमारा कर्तव्य है राम जी की सेवा करना, अपने गांव ले जाना, लेकिन मुझे तो वनवास मिला, सखा मैं तुम्हारे गांव नहीं आ सकता। आप और हम कहां और आप कहां? आप हमें सखा कहते हैं, भगवान बोलते हैं कि तुम नाव से पार उतारते हो और हम संसार से पार उतारते, धंधे में दोनों सखा है, तू मेरा सखा है। भगवान की उदारता के तरफ देखो, तुम्हारी जात पात के तरफ मत देखो, तुम्हारे गुण दोषों के तरफ मत देखो, भगवान की गरिमा और उदारता के तरफ देखोगे तुम्हारा हृदय उदार हो जाएगा, तुम्हारा हृदय महान हो जाएगा और तुम्हारे हृदय में परमात्मा ज्ञान का प्रकाश होने लगेगा। काय करे रे, दुखी है रे, गोड़ा दुखे है रे, गोड़ा दुखे है, गोड़ा दुखे याद करोगे तो क्या गोड़ा ठीक हो जाएगा क्या? गोड़ा दुखे थोड़ा इलाज कर लो, लेकिन गोड़ा दुखे ये चिंतन करोगे तो गोड़ा और गहरा दुखेगा क्या?
काय करो के ए दुखे ओ हो गया जाओ के धुनवा धुनावा जाओ के ओ बुआ बेचारा आए नशा करके अपने को मार के पीट के परेशान होकर फिर तुमको इलाज बताता है और तुम वहम के वहम में ओ ये हो गया थोड़ा बहुत वहम तुम्हारा अनुकूल हो जाता है तुमको लगता है कि अभी तो आराम है लेकिन चार दिन के बाद फिर वो बुआ की गुलामी चालू। जयराम जी बोलना पड़ेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने मन दिया है, भगवान ने तन दिया है, इसका सदुपयोग करो। बुद्धि रूपी सारथी ठीक निर्णय करेगी तो महाराज मन रूपी हंकारने वाला इंद्रिया रूपी घोड़ा तुम्हारे रथ को ठीक जगा ले जाएगा। सारथी अंधा हो, ड्राइवर अंधा हो तो स्टीयरिंग कहां घूमेगा। इसलिए सारथी का उपयोग करो, बुद्धि को तेजस्वी बनाओ। जितने दुनिया में दुख है ये बुद्धि की मंदता के कारण है। जो जो दुख है ये प्रज्ञा के दोष से ही दुख आते। जब आदमी गलत निर्णय लेता है, अशुद्ध को शुद्ध समझता है और शुद्ध की परवाह नहीं करता, तब उसकी बुद्धि गलत निर्णय लेती है।